गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्वाति आप सबको स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में और आज मैं आपके लिए फिर इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि लास्ट वीडियो मैंने जो अपलोड किया था यानी कि 2-3 मंथ्स पहले का एक वीडियो था जिसमें मैंने कॉर्न के बारे में एक्सप्लेन किया था, तो वहां पर बहुत ज्यादा कॉमेंट आया था कि दी आप फंगस के बारे में बताइएगा। तो उन सब सब्सक्राइबर लोग को मैं ये बोलना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच कि आपने वो वीडियो देखा और आपको लगा कि वो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो उसके लिए सो मच थैंक यू। और इसलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना आप लोग का जब इतना ज्यादा कमेंट आ रहा है कि फंगस के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो आज मैं आ गई हूँ फंगस के ऊपर वीडियो लेके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबको थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ कि मेरे वीडियोस के इतने ज्यादा लाइक्स करने के लिए और इतने ज्यादा कमेंट और शेयर तो करते हैं आप सब, इसलिए मुझे इतना ज्यादा सब्सक्राइबर मिले हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड। तो आज मैं बात करूंगी फंगस के बारे में। फंगस के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमें हर चीज, अगर हम कोई भी चीज के बारे में बात करते हुए, तो हमें सबसे पहला पता करना होता है कि वो कितने टाइप्स के होते हैं और वो किस लिए होते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि फंगस जो है कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ फंगस देखते हैं। फंगल इन्फेक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा अपना एथलेटिक्स फुट, जॉक ईच, रिंग वर्म, ईस्ट इन्फेक्शन। ये चार जो फंगस इन्फेक्शन होता है। तो एथलेटिक्स फुट क्या होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये फंगस टोस में होता है यूजुअली। ये ज़्यादा उन लोगों का होता है जिनके पैर में ज़्यादा पसीना होता है या फिर ज़्यादा टाइटनिंग शूज़ पहनते हैं, तभी भी होता है। और इचिंग होता है, स्टिंगिंग होता है और बहुत ज़्यादा बर्निंग होता है ये फंगस होने से। ये इन्फेक्शन होने से बॉडी का एरिया रेड और इची रैश होता है। ये ज़्यादा उन लोगों का होता है जो गेम वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं। थाई में होता है और बहुत ज़्यादा खुजली और जलन होता है ये इन्फेक्शन होने से। चलो तो आप बात करते हैं रिंग वर्म के। ये फंगस बहुत ही कॉमन होता है। ये स्किन और नेल्स में ज़्यादा होता है। ये बहुत ज़्यादा इची रेड और सर्कुलर रैश में होता है। ये होने से आपको बहुत ज़्यादा जलन, तकलीफ और बहुत ज़्यादा खुजली आपको सहना पड़ता है। तो अब बात करेंगे हम ईस्ट इन्फेक्शन के बारे में। ये डिपेंड करता है कि आपका बॉडी का कौन सा पार्ट में होता है। अगर ये स्किन के ऊपर एरिया में होता है, आप अपना होम रेमेडी ट्रीट ले सकते हो, अदरवाइज आप डॉक्टर के ट्रीटमेंट भी ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको डॉक्टर के पास जाना है, अदरवाइज आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कितने टाइप्स के फंगस होते हैं, तो इतना ज़्यादा फंगस टाइप्स आपने देखा होगा और काफ़ी टेंशन होता है जब भी हमारा जो स्किन में फंगस हो जाता है या फिर कुछ भी बैक्टीरिया से अगर इफेक्ट होता है। तो इसलिए मैं आज ना आपके लिए होममेड रेमेडी लेके आई हूँ। ये रेमेडी इतना जोरदार काम देता है और जो जितना भी फंगस है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से आपको होममेड रेमेडी बनाना है फंगस के लिए। तो चलो दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कौन सा इंग्रेडिएंट चाहिए। तो यहाँ पर मैंने रॉ मिल्क लिया है। रॉ मिल्क 1-2 स्पून आप ले सकते हो। रॉ मिल्क काफ़ी अच्छा होगा। याद रखना है कि बॉयल नहीं होना चाहिए, रॉ मिल्क होना चाहिए। और आपको ऐसा वाला अदरक लेना चाहिए जिससे काफ़ी रस निकलेगा। ये देखिए मैंने जो अदरक लिया है इससे काफ़ी रस निकलेगा। ये एकदम सा कच्चा वाला है। और ये जो है मैंने लिया है हल्दी, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा या फिर आप अपने बगीचा में भी लगा सकते हो। तो ये वाला हल्दी मैंने लिया है, इससे भी काफ़ी रस निकलने वाला है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, ये तीन चीज़ को मैं रेडी करूँगी। और रो मिल्क रेडी है, बस ये दो, ये देखिए हो चुका है रेडी। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको कूट के रस निकालूँगी। पूरा अच्छी तरीके से कूट के रस निकाल लेना है। तो ये देखिए मैंने रस निकाला है, तो मैंने ये कूटा है। अगर आप चाहते हो तो आप ग्राइंड भी कर सकते हो और निचोड़ के आप कपड़ा से भी आप जो इसका रस है वो ले सकते हो, पर यहाँ पर मैं हाथ से ही कर रही हूँ। और ये मेरा थोड़ा सा हाथ येलो भी हो चुका है। और ये देखिए, तो यहाँ से देखिए काफ़ी रस निकल चुका है, तो मुझे ये अलग से और निचोड़ने का ज़रूरत नहीं है। जो निकला ये इतना काफ़ी है। ये थोड़ा सा स्लाइड से निचोड़ ले रही हूँ। और ये सारा, क्योंकि ये बहुत
बहुत फ़ायदा होता है, इसलिए मैं थोड़ा भी वेस्ट करना नहीं चाहूँगी। तो ये जितना भी रस है मैं ये रो मिल्क के साथ मिक्स करने वाली हूँ। दोस्तों मैं जैसा बता रही हूँ आप ऐसा ट्राई कीजिएगा, और आपको इतना अच्छा फंगस के लिए ट्रीटमेंट का जो है, मतलब इतना अच्छा जो रेमेडी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर ये देखिए यहाँ पर जो हल्दी है जितना मैंने ग्राइंड करके रखा है, ये सारा मैं ले लूँगी, और मेरा हाथ जो है पूरा हल्दी हल्दी हो चुका है। और ये आपका स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, मार्केट में हमेशा अवेलेबल नहीं होता है, अगर आपको मिलता है कहीं पर तो आप लेके उसको ग्राइंड करके रख सकते हो। तो अब मैं इसमें मिक्स कर दे रही हूँ। मैंने कोई कपड़ा से इसको ये नहीं किया है, निचोड़ा नहीं है, क्योंकि मैंने हाथ से ही अच्छा से साफ़ कर लिया था। और करूँगी, अगर एक दो दाना रह भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि ये है काफ़ी अच्छा चीज़ है। तो इस सब को मिक्स करने के बाद तीनों को फिर इस तरह से स्किन में अप्लाई करना है जहाँ पर आपका फंगस से आपको प्रॉब्लम हो रहा है। वहाँ पर दिन को आप 2-3 बार अगर इसको लगाते हो तो 100% आपका जो फंगस का जो प्रॉब्लम है 100% जड़ से जाएगा। ट्राई कीजिएगा ये वाला, और जितना भी बचा कुचा है उसको आपको फेंकना नहीं है, उसको आप स्टोर करके रख सकते हो। तो किस तरह से स्टोर करके रख सकते हो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये आप बॉडी के कोई भी पार्ट में लगा सकते हो, इससे कोई जलन नहीं होता है, कोई खुजली नहीं होता है, इससे काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको ठंड लगेगा। तो जितना भी बच्चा कुचा है उसको फेंकना नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, एक छोटा सा कंटेनर ले रही हूँ, तो जितना भी बच्चा है इसमें मैं डाल रही हूँ, और डाल के इसको मैं स्टोर करके रख दूँगी। ये 2 to 3 days ये चल जाएगा। तो फ्रिज में आपको रेफ्रिजरेटर में आपको इसको स्टोर करके रख देना है। तो अगर आप एक बार बनाते हो तो आप 2-3 दिन आप यूज़ कर सकते हो, 3 दिन से ज़्यादा ना करें, 3 दिन तक ही आप रखें, उसके बाद फिर आपको फ्रेश वाला बनाना है। दोस्तों देखा आपने, मैंने कितना इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया कि आप किस तरह से होममेड रेमेडी बना सकते हो घर पर ही, तो आपको कोई चिंता नहीं करना है अगर आपको कोई भी फंगस होता है। तो दोस्तों इस तरह का नाम होममेड रेमेडी में लेके आती रहूंगी, पर अगर आपका सपोर्ट होगा तो अगर आप चाहते हो कि आपका इस तरह का जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए, और ढेर सारा प्रॉब्लम होता है, जो भी प्रॉब्लम होता है हम पहले घर पर ट्राई कर सकते हैं ठीक होने के लिए। तो अगर आप चाहते हो इस तरह का वीडियो में लेके आती रहूंगी, तो मेरे वीडियो को कीजिए शेयर, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देखते हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गाइस, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।